सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से रियलिस्टिक आइज और नोज़ को ड्रॉ कर सकते हैं काफ़ी इजी तरीके से, और मैं इसका फुल ट्यूटोरियल भी दूंगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आउटलाइंस पहले से ही ड्रॉ करके रखी हुई है, और आउटलाइंस पर भी जल्दी ही वीडियो आ जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैंने आइज से ड्रॉ करना स्टार्ट किया है, और मैं पहले 3H पेंसिल का ही यूज़ कर रहा हूँ इसे कम्प्लीट शेड करने के लिए, कंप्लीट आई को शेड करने के लिए। तो क्योंकि हमें रियलिस्टिक ड्रॉ करना है इसे, इसलिए हमें लेयर बाय लेयर काम करना होगा। तो आप ऑब्जर्व करिए मैं किस तरीके से शेड कर रहा हूँ, देन मैं डार्क पेंसिल का यूज़ करके वैल्यूज़ क्रिएट करूँगा। तो चलिए देखते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो टाइम लैप्स नहीं है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि इसमें मैंने फुल ट्यूटोरियल दिया है, तो वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी। जिस फेस को हम ड्रॉ कर रहे हैं उसका रेफरेंस फ़ोटो आपको साइड में दिख रहा होगा, और इस फोटो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं, और आपको ड्रॉ करना हो तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने 3H पेंसिल का यूज़ करके इसे कंप्लीट शेड कर लिया है। देन अब मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ आईबॉल को शेड करने के लिए। तो आपको आराम से फ़ोटो को ऑब्जर्व करके आराम से शेड करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। और दोस्तों, हाइलाइट्स के लिए मैंने जगह छोड़ दी है, तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि आपने हाइलाइट्स के लिए जगह छोड़ी है या नहीं, क्योंकि इससे ही रियलिस्टिक लुक आता है हमारे आईज़ में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों, मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ नीचे से शेड करने के लिए। आराम से अच्छे से फ़ोटो को ऑब्जर्व करके हमको शेड करना है, तो मैंने 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर भी दोस्तों, हमें आईज़ के अंदर भी हमें शेड करना ज़रूरी है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि इससे भी रियलिस्टिक सा लुक आता है हमारे आईज़ में, और वो खाली ब्लैंक छुट्टी हुई रहेगी तो उससे अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर शेड करने के लिए मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, और इसे कंप्लीट शेड कर रहा हूँ फोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करके। तो देखिए दोस्तों, मैंने लेफ़्ट आई को कंप्लीट शेड कर लिया है, ऐसे ही हम राइट आई को भी शेड करेंगे। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। दोस्तों, आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करती है आपके लिए और भी अच्छा अच्छा ट्यूटोरियल्स और वीडियो बनाने के लिए। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो देखिए दोस्तों, अब हमारी बहुत आईज ड्रो हो चुकी है, अब हम आईब्रोज को ड्रो करेंगे उसी मेथड का यूज़ करके, लाइट टू डार्क।
यहाँ पर भी मैं 3H पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ बेसिक लेयर के लिए, उसके बाद में मैकेनिकल पेंसिल या हायर ग्रेड की पेंसिल यूज़ करके आईब्रोज को ड्रॉ करूँगा। तो देखिए दोस्तों, मैं किस तरीके से अच्छे से एक एक बाल को ऑब्जर्व करके शेड कर रहा हूँ, तो आपको भी ऐसे ही करना है। आपको मैं पेशेंस होने चाहिए, आपको रियलिस्टिक ड्रॉ करना है, तो आप पेशेंस रखेंगे, आप अच्छे से टाइम देंगे तो आपका ड्रॉ उतना ही रियलिस्टिक और एक्यूरेट बनेगा। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट आईब्रो को भी शेड कर लेंगे अच्छे से। अब हमारी बोथ आईज और आईब्रोज ड्रो हो चुकी है। अब मैं नोज ड्रो करूँगा और नोज में नीचे से ड्रो करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहले मैं जहाँ डार्क एरियाज है और जहाँ डेप्थ है उसे शेड कर रहा हूँ, और जहाँ पर लाइट ज़्यादा है वहाँ पर मैं शेड बिल्कुल नहीं करूँगा, उसे मैं ब्लेंड करते टाइम ही शेड करूँगा। मैं वही बेसिक शेडिंग के लिए 3H पेंसिल का ही यूज़ कर रहा हूँ, देन मैं हायर ग्रेड्स की पेंसिल यूज़ करूँगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने कम्प्लीट इसे 3H पेंसिल का यूज़ करके ही शेड किया है। अब मैं इसे ब्लेंड करूँगा, पूरा कम्प्लीट इसे ब्लेंड कर देंगे, देन हायर ग्रेड्स की पेंसिल यूज़ करेंगे। ब्लेंडिंग के लिए मैं ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो ब्लेंडर स्टम या कॉटन स्टिक का यूज़ कर सकते हैं, बस आपको काफ़ी स्मूथ ब्लेंडिंग करनी है। आप किसी भी टूल का यूज़ कर सकते हैं ब्लेंडिंग के लिए। ब्लेंड करने के बाद हमारे आइज़ काफ़ी रियलिस्टिक लग रही है, इसी तरह हम नोज़ को भी शेड करके काफ़ी रियलिस्टिक सा लुक देंगे। तो चलिए देखते हैं। मैंने सिर्फ नोज़ पर 3H पेंसिल का यूज़ करके फर्स्ट लेयर चढ़ाई है। अब मैं HB पेंसिल का यूज़ करके सेकेंड लेयर चढ़ाऊँगा, जहाँ पर डेप्थ है और डार्क एरियाज ज़्यादा है।
जहाँ पर हाइलाइट्स है वहाँ पर मैं बिल्कुल भी शेड नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पर लाइटर टोन देना है मुझे। अब यहाँ पर फिर से मैं 3H पेंसिल का ही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल लाइट एरिया है और मुझे यहाँ पर लाइट टोन ही चाहिए। यहाँ पर एक बार फिर से मैं वैल्यूज़ को ऐड कर रहा हूँ फोटोग्राफ को अच्छे से ऑब्जर्व करके। तो आपको ऐसे ही करना है, बार बार अपने वैल्यूज़ को ऐड करते रहना है, क्योंकि थोड़े समय के बाद हमारी जो डार्क एरियाज़ रहते हैं वो फेडेड हो जाते हैं, तो उन्हें आपको ध्यान में रखना है और बार बार शेड करते रहना है। तो देखिए दोस्तों, मैं एक ही जगह पर बार बार शेड कर रहा हूँ ताकि रियलिस्टिक सा लुक आए। तो आपको भी ऐसा ही करना है, बार बार लेयर पर लेयर चढ़ाते जाना है, कि उसी से ही रियलिस्टिक सा लुक आएगा। अगर आप लेयर्स नहीं चढ़ाओगे तो आपकी ड्राइंग बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लगेगी। अब दोस्तों, जहाँ पर हाइलाइट्स है वहाँ पर मैं जीरो इरेजर का यूज़ करके हाइलाइट कर रहा हूँ, और ये जीरो इरेजर मैंने घर पर ही बनाया है और इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर जल्दी ही आने वाली है, तो आप देख लेना, काफ़ी यूज़फुल वीडियो होगी आपके लिए। मैं इसे हाईलाइट करने के बाद थोड़ा सा ब्लेंड कर दूँगा ताकि ये थोड़ा और रियलिस्टिक सा लगे, क्योंकि ज़्यादा वाइट होने पर थोड़ा अनरियलिस्टिक सा लगता है, तो उसे अवॉइड करने के लिए इसे थोड़ा सा ब्लेंड करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। नेक्स्ट पार्ट में मैं इस फेस को कंप्लीट शेड करूंगा, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।